सिर्फ 10 दिन का ईएमए यूज किया होता या 8 दिन का ईएमए यूज किया होता तो यहां पर हम स्टॉप आउट हो जाते अपने ट्रेड से, या यहां पर हम स्टॉप आउट हो जाते अपने ट्रेड से यहीं पर हो जाते, क्योंकि वो ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने एवरेज लिया है हाई लो बैंड का, तो हम अपनी प्रॉफिट वहीं बुक करेंगे जहां पर वो कैंडल जो है वो बैंड के ऊपर बंद हो। नमस्कार, मैं भजन जिनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। हमारी स्टॉप लॉस की जो सीरीज थी वो चालू थी, आज हम उस सीरीज को खत्म करेंगे और देखेंगे स्टॉप लॉस लगाने का दो नए तरीके। हम देखेंगे कैसे हम प्राइस एक्शन को यूज करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैंडल स्टिक्स पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैंडल स्टिक्स के विक्स पे मेजर पैटर्न जो होते हैं कैंडल स्टिक्स के उनको यूज करके कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सेकंड, हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस नॉर्मल और मूविंग एवरेज बैंड दोनों को यूज करके हम कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कैसे अपनी एग्जिस्टिंग पोजिशंस को ट्रेल कर सकते हैं मूविंग एवरेज। देखिए, बहुत इफेक्टिव मेथड होता है मूविंग एवरेज को यूज करना अपने पोजिशन एग्जिस्टिंग पोजिशंस को ट्रेल करने के लिए, तो वो भी देखेंगे आज दोनों। और आगे देखेंगे कि कैसे कई बार हम स्टॉप लॉस के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को टीपिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो देखने के पहले कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि क्वालिटी मटेरियल ही हम लाते हैं आपके लिए और जिसे सीख के आपका फायदा ही होता है, तो लाइक तो पड़ता है, लाइक तो पहले कर दीजिए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मैं बार बार करता हूँ, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने लिंक्डइन पे चैनल को शेयर कर डालिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी फायदा उठा सके टेक्निकल एनालिसिस से सीखने का। अपने फीडबैक हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के दे कि आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में, मैं और क्या क्या चीज लेके आऊं नए जिससे आपका फायदा हो, या ऐसी कौन सी डाउट है आपकी, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसके बारे में मुझे कहना चाहिए। देखिए, वैसे मैं बेसिक इंडिकेटर यूज नहीं करता, लेकिन जो मेजर इंडिकेटर है उन सबके ऊपर एक एक सीरीज में जरूर कवर करूंगा। तो जल्दी से चलते हैं मैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम स्टॉप लॉसेस यूज करेंगे मूविंग एवरेज कैंडलस्टिक्स को मिला के। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने स्टॉप लॉस की सीरीज को। हम लोगों ने पिछले सीरीज में देखा कि अलग अलग तरीके कैसे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वॉलेटिलिटी को यूज़ करके, वॉल्यूम को यूज़ करके, स्विंग मेथड्स में। और आइए और एक दो तरीके हैं स्टॉप लॉस लगाने का। इतने सारे तरीके मैं बता रहा हूँ, आपको जो सूटेबल लगे आप उसको यूज़ करो। तो अब आइए इम्पॉर्टेंट कैंडल पैटर्न्स पे कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो कैंडल पैटर्न्स जो एक ट्रेंड पे सिग्निफिकेंट अफेक्ट लेके आते हैं वो फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारी जब अपने अगर हमारी कैंडलस्टिक सीरीज देखी होगी तो हमने उसमें बताया था कि कई तरह के कैंडल्स जो होते हैं, हैमर है, शूटिंग स्टार है, या कोई बुलिश इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग है, जो इम्पॉर्टेंट कैंडल पैटर्न है जो ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं, वो पैटर्न जो है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह भी यूज़ होते हैं, और जो चीज़ सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह यूज़ होता है वो स्टॉप लॉस की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट कैंडल पैटर्न जो है वो स्टॉप लॉस की तरह यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि हैमर्स है, शूटिंग स्टार है। ये सब पैटर्न क्या होते हैं कि नॉर्मली ट्रेंड चेंज करने की कैपेबिलिटी ये सब पैटर्न्स में होती है। तो ये सब जो पैटर्न्स होते हैं ये स्टॉप लॉस की तरह भी काम आ सकते हैं। और कोई भी, ये सिर्फ ये दो कैंडल पैटर्न नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट मेजर कैंडल्स पैटर्न जो हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारी कैंडल स्टिक सीरीज में, अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं तो जाके देखिए, सारे मेजर पैटर्न हमने डिस्कस किए हैं और उसमें मैंने बताया है कि कौन से मेजर पैटर्न्स में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो देखिए, अब ये दोनों कैंडल पैटर्न ऊपर, ये एक शूटिंग स्टार बना था, तो ये जो शूटिंग स्टार का जो लेवल होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना देता है फ्यूचर के लिए। तो आगे ताकि देखिए, यहाँ पर ये वापस एक रेजिस्टेंस लेवल बना और ये प्राइस नीचे आगे लग गई। तो अब अपने अगर यहाँ पर ट्रेड लेना चाहते हैं ये शूटिंग स्टार के कन्फर्मेशन पे, तो हमारा स्टॉप लॉस ये शूटिंग स्टार ही होगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गई। ये लेवल्स जो है, ये शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर जब अपीयर हुआ तो इसने ट्रेंड चेंज करने की कैपेबिलिटी रखी है, तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है ट्रेंड चेंज करने के लिए। वैसे ही ये हैमर जो होता है, देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि अगर ये जो ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ पर ये हैमर अपीयर हुआ, तो हम लोगों ने समझिए कि लॉन्ग करने की कोशिश की इस हैमर के ऊपर,
तो इस हैमर के ऊपर अगर हम लॉन्ग करते तो इस हैमर के लो पे हम लगाते अपना स्टॉप लॉस, और ये देखिए प्राइसेस आके हैमर के लो के नीचे बंद हो गई और तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। वैसे इस हैमर के ऊपर अभी तक हमारा ट्रेड नहीं बन रहा था, ये मैंने एग्जाम्पल दिखाया है सिर्फ। क्यों नहीं बन रहा था ट्रेड, जरा आप थोड़ी देर के लिए सोचिए वीडियो को पॉज करके, ये हैमर के ऊपर ट्रेड क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि क्लोज हैमर के ऊपर हमें मिला ही नहीं, ये क्लोज हमें हैमर के ऊपर मिला ही नहीं, तो क्लोज नीचे हुआ है। लेकिन हालांकि अगर आपको हैमर के नीचे स्टॉप लॉस सेट करना है तो आप ऐसे हैमर के नीचे स्टॉप लॉस सेट करोगे। एक हैमर की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, सिर्फ हैमर को देख के आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको वो वीडियो जल्दी ही अगले हफ्ते जहां तक हो सके रिलीज करूंगा, देखिएगा जरूर उसको। वैसे ही देखिए स्टॉप, जैसे ये शूटिंग स्टार है तो इस कैंडल के ऊपर में स्टॉप लगेंगे, और ये हैमर है तो इसके नीचे स्टॉप लगेगा। तो इस तरह से हैमर और शूटिंग स्टार को हम स्टॉप लॉस लगाने में काम ले सकते हैं। बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है ट्रेंड में। अब मूविंग एवरेजेस को भी हम लगा सकते हैं स्टॉप लॉस की तरह, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हालांकि ये मूविंग एवरेजेस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होती हैं वो अच्छी तरह से लगती हैं, क्योंकि ये प्राइस को फॉलो करती है, ये प्राइस के साथ साथ चलती है और हमें पता चलता है प्राइस का डायरेक्शन। और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कि प्राइस जितना ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज उतना ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जितना नीचे जाएगा मूविंग एवरेज उतना नीचे जाएगा, तो ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स मुझे लगता है ट्रेलिंग के लिए, क्योंकि ये प्राइस को अच्छी तरह से फॉलो करता है। तब देखिए ऐसा है कि व्हेन द ट्रेंड गेट टू मच एक्सटेंडेड इन अ डायरेक्शन, इट इज अ वाइज डिसीजन टू ट्रेल स्टॉप लॉस। मतलब कि अगर एक ट्रेंड जो है एक डायरेक्शन में बहुत बेसी एक्सटेंड हो जाए, उस समय हमें ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही चाहिए। अब लेकिन एक चीज देखो आप, ये एक ट्रेंड है, ये एक स्विंग और ये ट्रेंड ऊपर की तरफ, तो अब अगर आप इस स्विंग पे स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है, तो ये तो एक बड़ा मूव या बड़ा प्रॉफिट अपने से छूट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ स्विंग पे स्टॉप लॉस रखना ठीक नहीं है, तो हम यूज करेंगे एक छोटा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो ट्रेंड के साथ साथ चलता है, और हम इस पे स्टॉप लॉस रखेंगे कि अगर ट्रेंड मुड़ती भी है तो मूविंग एवरेज से हम स्टॉप आउट हो जाते हैं, इतनी प्रॉफिट हम बचा लेते हैं अपने लिए, तो हम उसे प्रॉफिट स्टॉप बोलते हैं मूविंग एवरेज को। और 8 पीरियड या 10 पीरियड का मूविंग एवरेज, वो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज कर सकते हैं। पहले देखते हैं 8 पीरियड। 8 पीरियड मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि एक फिबोनाची नंबर है। तो देखिए ये 8 पीरियड का मूविंग एवरेज कैसे स्टॉप लॉस की तरह काम आता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं मैं, और ये देखिए अगर ये ट्रेंड चल रहा है, अब अगर इसका स्विंग कहाँ होता, जैसे मैंने आपको बोला इस लेवल पे स्विंग होता, ठीक है, तो इस लेवल पे स्विंग होता तो अपने को उतना दरकार नहीं है, अपने को यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज हुई, अपने इस ट्रेंड से निकल लिए। एकदम सिंपल तरीका है मूविंग एवरेज, और इसमें कोई माथा पिछी बेसी झंझट नहीं, बेसी झकाड़ नहीं, अपने को मूविंग एवरेज लगा देना है। और जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइजेज है अपने लॉन्ग है, जहां मूविंग एवरेज के नीचे प्राइजेज आई अपने अपनी प्रॉफिट को बुक कर लिए। वैसे ही देखिए ये नीचे ट्रेंड नीचे की तरफ है और मूविंग एवरेज को हम अपने स्टॉप लॉस की तरफ मान रहे हैं। कई बार देखिए ड्यूरिंग द डे ब्रीच हुआ लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ ही, अगर हमने इस डार्क क्लाउड कवर पे ट्रेड लिया होता तो हम इसका ट्रेल करते मूविंग एवरेज 8 पीरियड मूविंग एवरेज। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सही सिस्टम है। इंट्राडे, डेली, वीकली, कोई भी टाइम फ्रेम आप ट्रेंड कर रहे हो उस पर आप इसको लगा के आराम से कर सकते हो। देखिए जैसे अब मैंने आपको एग्जैक्टली यही बात बता रहा था पहले भी कि जो स्विंग पे लगाते हैं अपने, तो ये अपने को बेसी डैमेज करता है, क्योंकि स्विंग का लेवल देखिए करीबन 1500 के आसपास है, 1550 के आसपास है, और कहाँ मूविंग एवरेज का लेवल है 1600 के पास। तो अगर ये ट्रेंड नीचे आती है तो अगर हम यहाँ पर स्टॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी विद इट, मेरे बहुत खुश हूँ, क्योंकि कम से कम मैं इतना तो नहीं खोया, इस मेजर पार्ट को मैंने नहीं खोया। एक और तरीका होता है यूज़ करने का मूविंग एवरेज, हम क्लोज को नहीं यूज़ करके एक मूविंग एवरेज का हाई लो बैंड बना लेंगे। ये बेसी बेटर तरीका है क्योंकि ये हमें बेसी शेकआउट से बचाता है। हम चार्ट पे देखेंगे अभी कैसे, 10 दिन का ईएमए हाई का लेंगे और
10 दिन का EMA लो का लेंगे और इसका हम बैंड बना लेंगे। तो ये देखिए, अगर हमने सिर्फ 10 दिन का EMA यूज किया होता या 8 दिन का EMA यूज किया होता तो यहां पर हम स्टॉप आउट हो जाते अपने ट्रेड से, या यहाँ पर हम स्टॉप आउट हो जाते अपने ट्रेड से, यहीं पर हो जाते क्योंकि वो EMA के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने एवरेज लिया है हाई लो बैंड का, तो हम अपनी प्रॉफिट वहीं बुक करेंगे जहाँ पर वो कैंडल जो है वो बैंड के ऊपर बंद हो। इस जगह पे कैंडल बंद हुआ बैंड के ऊपर, तुम अपनी प्रॉफिट यहीं बुक करेंगे। ये बेस्ट प्लेस टू बुक प्रॉफिट, तो बैंड्स को यूज करना बेसी सही रहता है। वैसे अगर हम लॉन्ग में होते तो अभी इस कैंडल पे हम स्टॉप हो जाते, क्योंकि ये कैंडल जो है EMA के नीचे बंद हो गई, क्लोज EMA के नीचे बंद हो गई। और लेकिन अगर आप देखो तो इस लो जो है इसका बैंड का वो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, तो हम इस ट्रेड में अभी तक बने रहे हैं। और जब प्राइस आके इसके लो के नीचे बंद हो जाएगी तब हम निकलेंगे। Trading in the financial market doesn't have to be a difficult and uncertain venture. You can learn and achieve much more with the Traders Classroom. Traders Classroom, a new age way to achieve excellence in trading, is a brainchild of Barrett, the founding director of Pro RSI, among other fronts. The solution focuses primarily on technical analysis. As a trader, Traders Classroom helps you take your knowledge and proficiency to the next level with high-quality resources made available every week. Solutions to bottlenecks in the trading industry with practical examples and real market scenarios. Trading Coaches of this Century teaches you what you want, but never put emphasis on what you need. Here at Pro RSI, Traders Classroom focuses on the tools and tactics that you need to be a successful trader. With Traders Classroom, you will achieve technical proficiency to unlock higher returns in trading. Be able to design uniquely with an end-to-end scope. Have access to real-time mentoring over the course of the next 3 months as Barat helps you explore market opportunities with higher dynamism. Have access to seamless resources at your disposal so the learning never stops. Get one-click instant access to the previous 3-month lesson. Enjoy higher interactivity, group experience, and more fun when Barat goes live where he answers your questions about the day's lesson in real time with the higher level of personalization. Are you a trader currently looking to expand your opportunities and increase your earnings? Then join this 3-month Traders Classroom training with Barat and enjoy a pack of marvel. Start today, earn tomorrow. है कई बार क्या होते हैं, हम स्टॉप लॉस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये स्टॉप लॉस ट्रैप क्या होता है, कई बार क्या होगा कि आपकी पोजीशन, ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, इंट्रा डे में या ड्यूरिंग द डे हमारे स्टॉप लॉस को प्राइस ट्रिगर कर जाती है, हमें स्टॉप आउट करके वापस उस डायरेक्शन में चले जाती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका इसको बचने का है कि हम क्लोज के लिए वेट करें, ठीक है, या तो क्लोज के लिए वेट करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले, या उसका एक और तरीका है कि उस समय हम स्टॉप आउट हो गए ड्यूरिंग द डे और फिर 3:15 बजे मार्केट को वापस देखते हैं। अगर हम अपने स्टॉप लॉस लेवल से ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं तो हम ट्रेड में वापस घुस जाए। तो इससे क्या होगा कि कम से कम हमें, अगर ड्यूरिंग द डे बहुत जो तेजी से मार्केट गिरता जाए हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके, तो उसमें हमें बेसी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉप लॉस, जैसे समटाइम्स द लो ऑफ द स्टॉप लॉस आर रीटेस्टेड, हैंस प्राइस एक्शन स्टॉप लॉस शुड बी लिटिल अबव और बिलो एंड नॉट एट द एग्जैक्ट लेवल्स, ठीक है। तो इसका तरीका देखिए, अब ये लो जो देखिए, इसका जो लो था इसका, ये देखिए उस दिन वापस रीटेस्ट हुआ। अगर हम लॉन्ग होते तो हम इसके लो के नीचे स्टॉप आउट हो जाते, लेकिन प्राइस वापस घूम के ऊपर चली गई। तो हमें क्लोज का वेट करना चाहिए, ये क्लोज जो आया उसका वेट करना चाहिए हमेशा। अब ऐसे देखिए, ये मूविंग एवरेज में इंट्राडे ब्रीच होता है। ड्यूरिंग द डे कितने बार मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस निकल जाती है और उसके बाद ऊपर जाती है, तो इस समय हम स्टॉप आउट हो जाएंगे, लेकिन प्राइस तो जाके अंदर बंद हुई। इस समय हम स्टॉप आउट हो जाएंगे लेकिन प्राइस तो जाके अंदर बंद हो रही है, तो इससे हमें अपने ट्रेड से अर्ली बाहर निकाल दिया जाता है, स्टॉप लॉस से हमें जल्दी निकाल दिया जाता है, ट्रेड से जल्दी निकाल दिया जाता है। लेकिन इसको अगर आप यूज करेंगे
एक ऐसा फंडा बना लेंगे कि भाई क्लोज होने पे ही मैं डिसीजन लूंगा, तब आप जो ट्रेंड को है वो ज्यादा अच्छी तरह से राइड कर पाओगे। वैसे देखिए ये आवर्ली चार्ट है, आवर्ली चार्ट में अब हमने अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा है तो देखिए इंट्राडे में हम स्टॉप आउट हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इंट्राडे में यहाँ पर जो प्राइसेज है उसने हाई को ब्रीच कर दिया, हम इंट्राडे में आराम से यहाँ स्टॉप आउट हो जाएंगे, लेकिन प्राइस जाके देखिए वापस नीचे ही क्लोज हो रही है। तो इसीलिए क्लोज का वेट करना एक वर्थ वाइल चीज होती है। तो देखा दोस्तों कैसे मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं स्टॉप लॉस के लिए, कैसे इंपॉर्टेंट कैंडल्स को यूज करते हैं स्टॉप लॉस के लिए, कैसे हम इंट्राडे में स्टॉप हो जाते हैं, कई बार ट्रैप में फंस जाते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद अब आप आगे इस टाइप के ट्रैप्स में तो नहीं फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने के लिए मेरा मैन पावर लगता है, मेरी एनर्जी लगती है और मेरा टाइम भी लगता है। इसके बदले में मैं आपसे सिर्फ कुछ चंद चीजें चाहता हूं। पहला, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्त लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो चाहते हैं कुछ अलग सीखे, कुछ नया सीखे। दूसरा, सब्सक्राइब का बटन को टिपो। तीसरा, लाइक कर दो। और एक और चीज, कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको हमारा मटेरियल कैसा लग रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया जानेंगे। तब तक भरत झुनझुनवाला साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड कीप अर्निंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।